गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप पढ़ रहे हैं डेली करंट अफेयर। ठीक है, आप डेली करंट अफेयर कौन से चैनल में पढ़ रहे हैं? आप पढ़ रहे हैं पावर पॉइंट स्टडी, इसमें हम पढ़ेंगे डेली करंट अफेयर। आज है 22 दिसंबर, हम पढ़ेंगे 21 दिसंबर की डेली करंट अफेयर। ठीक है, नंबर पहला पॉइंट, सोलर सोलर एनर्जी सोलर ऊर्जा सोलर ऊर्जा कॉरपोरेशन, इन्होंने क्या क्या, सोलर ऊर्जा कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ऑफ इंडिया, सोलर ऊर्जा कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक छत्तीसगढ़ के, इन्होंने छत्तीसगढ़ छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में इन्होंने क्या किया, सोलर ऊर्जा कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने छत्तीसगढ़ के राजनंद गांव में इन्होंने 40 मेगावाट और 120 मेगावाट के बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम परियोजना स्टार्ट की है। कौन सी, बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम परियोजना शुरू की है। किन्होंने की है, छत्तीसगढ़ के राजनंद गांव में सोलर ऊर्जा कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने छत्तीसगढ़ के राजनंद गांव में 40 मेगावाट और 120 मेगावाट में बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम परियोजना की क्या की, शुरुआत की। इसमें कितनी, 100 मेगावाट एसी सप्लाई, ठीक है, इसके साथ ही 100 मेगावाट एसी सप्लाई देगा। ठीक है, यह देश की सबसे बड़ी परियोजनाओं में से एक है, सबसे बड़ी BESS परियोजनाओं में से एक है। ठीक है, परियोजनाओं में से यह एक है, ठीक है। कौन सी, सोलर ऊर्जा कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने क्या किया, छत्तीसगढ़ के राजनांद गांव में 40 मेगावाट और 120 मेगावाट के, मतलब इन्होंने एक संयंत्र टाइप सा विकसित किया जो बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम परियोजना के तहत उन्होंने यहाँ पे ये किया। और यहाँ पे बड़े बड़े प्लांट लगेंगे, यहाँ पे सोलर मतलब यहाँ पे वो बेचेंगे, मतलब बुनी होती हैं सोलर बनाती हैं, जो सोलर पैनल द्वारा ये बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम परियोजना स्टार्ट करेंगे जो कि 100 मेगावाट एसी सप्लाई देगा और यह देश की सबसे बड़ी परियोजनाओं में से एक है। ठीक है, कौन सी, VESS परियोजनाओं में से एक है। इसका अनुबंध किसने किया, टाटा, टाटा पावर सोलर सिस्टम लिमिटेड इसका अनुबंध किसने किया, मतलब कि कौन करेगा इसको, टाटा पावर सोलर सिस्टम इस चीज का अनुबंध करेगा। ठीक है, इसका अनुबंध करेगा,
ठीक है, चलो हो गया, इसमें नहीं हो पाया। फ्रेंड्स ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़िए, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसमें ज़्यादा ज़्यादा जितने लोगों को आप जोड़ेंगे, इसमें आपको लूसेंट और भी मतलब सब्जेक्ट मिलेंगे, जो कि आपकी ग्रुप डी हुई है ना, NTPC CVT 2 हुआ, और भी मतलब पेपरों के लिए इस चीज़ का बहुत आपको बेनिफिट मिलेगा। आपको डेली करंट अफेयर हर जगह यूज़ होती है, ठीक है। भारतीय वायुसेना, इन्होंने क्या, भारतीय वायुसेना ने, इन्होंने पंजाब सेक्टर में, कौन से पंजाब सेक्टर में, S-400 वायु रक्षा मिसाइल का परीक्षण किया। कौन सी वायु रक्षा मिसाइल, प्रणाली, प्रणाली का इन्होंने क्या किया, परीक्षण किया कि भाई हमारी जो प्रणाली जो हमने विकसित की है, इस चीज़ का परीक्षण किया, और का प्रणाली का पहला, प्रणाली का पहला स्क्वाइटाइन स्क्वाड्रॉन तैनात किया। इन्होंने पंजाब सेक्टर के S-400 वायु रक्षा प्रणाली का परीक्षण किया, और इसको मतलब मतलब परीक्षण तो पहले भी कर लिया था, मतलब टेस्ट भी करना जरूरी कि मतलब काम कर रही है कि नहीं। तो मतलब इन्होंने पहला स्क्वाड्रेन तैनात कर दिया, कहाँ पे, पंजाब सेक्टर में कर दिया। यह S-400 यह क्या कर सकती है, यह भारत के साथ किसके, भारत के साथ S-4 वायु प्रणाली कितने कितने का अनुबंध हुआ प्रणाली का, इंडिया के साथ 35,000 करोड़ रुपए का अनुबंध हुआ, अनुबंध। अनुबंधन हुआ कितने, अनुबंधित हुआ कितने, 35,000 करोड़ रुपए का भारत के साथ S-400 वायु मिसाइल प्रणाली का भारत के साथ 35,000 करोड़ रुपए में अनुबंधित किया गया, ठीक है। इसमें AWACS प्रणाली के, इसमें एक प्रणाली और है, इस प्रणाली के 400 250 किलोमीटर 400 किलोमीटर और 120 विद्युत रेंज, ठीक है, और कितने 40 रेंज के शॉट, 40 किलोमीटर रेंज के शॉट रेंज शामिल रहेगी, ठीक है। इसमें कितनी कितनी रेंज रहेंगी, 400 किलोमीटर, 250 किलोमीटर, 120 की मिडयूज रेंज और 40 किलोमीटर की शॉर्ट रेंज शामिल रहेगी, किसके, AWACS प्रणाली के मध्य, और यह S-400 वायु प्रणाली के अंतर्गत आती है। इसमें इंडिया को 35,000 करोड़ रुपये का अनुबंधित किया गया, ठीक है। चिली द्वारा, चिली में एक क्या नाम था इनका, गोविल चिली के गोविल बैरिक जो कौन थे, चिली के गोविल बैरिक जो कि एक पूर्व नेता थे, मतलब छात्रों के पूर्व छात्र नेता थे। इन्होंने क्या किया, 19 दिसंबर को इन्होंने राष्ट्रपति चुनाव के लिए अपना नाम भेजा और यह चुनाव जीत गए, ठीक है। और यह सबसे युवा नेता बन गए, युवा नेता बन गए जो कि राष्ट्रपति के पद पर नियुक्त हैं, ठीक है। और इन्होंने
कितने 9.995 मत पात्रों में से कितने प्राप्त की 57.87 इतना परसेंट इन्होंने मत प्राप्त किया। और इन्होंने मत प्राप्त करके और किसको हराया, इन्होंने जोसन एंटोनियो कास्ट, जोसन एंटोनियो कास्ट को इन्होंने क्या किया, हरा दिया। ठीक है, इनको पराजित करके इन्होंने राष्ट्रपति पद पर अपना दबदबा किया। ठीक है, और यह कब शपथ लेंगे, यह 11 मार्च को, 11 मार्च 2022 में यह अपनी शपथ लेंगे। किसकी, राष्ट्रपति की यह शपथ लेंगे। यह 11 मार्च को यह राष्ट्रपति की शपथ लेंगे। ठीक है, एसबीआई ने अपना कितना, जेएसडब्ल्यू सीमेंट में, एसबीआई ने जेएसडब्ल्यू एट सीमेंट में इन्होंने क्या किया, इन्होंने 100 करोड़ रुपए के इसके शेयर्स खरीदे और इसको मजबूत किया, मतलब कुछ हद तक मजबूत किया कि मतलब इनके शेयर गिर रहे थे तो एसबीआई ने इनके 100 करोड़ रुपए के इनके शेयर खरीद लिए और ठीक है अनुमान वाले करीब खरीद लिए। और अन्य निजी बैंकों द्वारा मतलब और भी जो छोटे छोटे बैंक हैं उनको निजी बैंकों द्वारा, ठीक है, और अन्य निजी बैंकों द्वारा अन्य निजी बैंकों द्वारा सीपीएस माध्यम के द्वारा इसके शेयर खरीदे गए, मतलब एसबीआई ने जब इस पर पैसे लगाए तो निजी बैंकों ने भी इस पर पैसे लगाया। अब इस सीमेंट इसकी वैल्यू जेएसडब्ल्यू की वैल्यू 40 मिलियन टन प्रतिवर्ष सीमेंट से कितनी हो गई, 14 से हो गई 25 MTPA, मतलब मिलियन टन प्रति वर्ष। ठीक है, अब इसकी कितनी थी, पहले 14 थी, अब 25 हो गई, कितना इसमें एसबीआई द्वारा इसको शेयर खरीदने, मतलब इसको पैसा दिया, इसके शेयर खरीदे, और निजी बैंकों ने भी सीसीपीसी माध्यम से इसके शेयर खरीदे, जिससे इसकी क्या हुआ, इसके पास पैसा आया और इसने अपना पैसा अपने प्रोडक्शन पे बढ़ा दिया। ठीक है, इससे इसका प्रोडक्शन में बढ़ोतरी हुई। ठीक है, नागालैंड सरकार द्वारा ठीक है, किसके द्वारा, नागालैंड सरकार द्वारा इन्होंने क्या किया, नागालैंड ये क्या कर रही है, तीन नए जिले बना रही है, कौन से, तीन नए जिले। ठीक है, अब कोई भी राज्य अपने यहाँ नए जिले बनाएगा तो उसमें कुछ ना कुछ तो कहीं ना कहीं से तो हिस्से लेगा, तीन नए जिले बना रही है जिसमें से कोहिम का उप, यह कहां से लेगी, कोहिमा का उपमंडल, इसको कोहिमा का उपमंडल बनाएगी। ठीक है, दूसरा क्या नाम है, निंगवांगलैंड और चुमू के दीमा, ये क्या आएगा, ये दीमापुर में गठित। ठीक है, दीमापुर से इसको गठित किया जाएगा। ठीक है, इसको कहाँ कहाँ से लिया जाएगा, न्यूलैंड और चुमके दीमा को किसमें, दीमापुर में गठित किया जाएगा। और तत्सिमिनू मेन्यू कोहिम का उपमंडल होगा। ठीक है, इसके साथ ही नागालैंड के पास 15 नए राज्यों को मिलाकर
15 जिले हो गए, पहले इसके पास कितने थे 12, अब 3 नए जिलों को मिलाकर इसके पास कुल 15 जिले हो गए। ठीक है, नागालैंड सरकार ने इस चीज़ को घोषित कर दिया है और अब ये बना, जब कोई भी चीज़ घोषित हो जाती है तो सरकार द्वारा, तो इसको बनाने में कोई भी कसर नहीं छोड़ी जाती। ठीक है, फिलीपींस क्या कर रही है, फिलीपींस ने दिसंबर में, फिलीपींस इन्होंने क्या, फिलीपींस ने दिसंबर 2021 के सबसे पावरफुल टाइफून की चपेट में आया, किसकी सबसे पावरफुल, मोस्ट पावरफुल, मोस्ट पावरफुल टाइफून, टाइफून की चपेट में आया। ठीक है, इस टाइफून का नाम क्या रखा, इस टाइफून का नाम रखा गया राय, राय, टाइफून राय, इस टाइफून का नाम क्या रखा गया, टाइफून राय का नाम रखा गया, जो कि फिलीपींस में 2021 में, कितनी तारीख को, दिसंबर 2021 को फिलीपींस में आया था। ठीक है, 2021 में यह देश, और यह देश में मतलब अपने देश में 2021 में भारत में आने वाला यह 15वां सबसे बड़ा तूफान था, 15वां तूफान था, मतलब अभी तक 2021 तक 15 तूफान भारत में आ चुके हैं। ठीक है, इसको मिलाकर पीएम मोदी ने क्या किया, इन्होंने यूपी की, यूपी में किसमें, एस एच जी की महिलाओं सदस्यों को, कितनी 16 लाख महिलाओं को एक सौगात दी है इन्होंने, SWG जो कि स्वयं सहायक समूह के बैंक खातों में, मतलब जो SWG की स्वयं सहायक जो 16 लाख महिलाएं हैं, इन लोगों को पीएम मोदी ने कहाँ पे, प्रयागराज के दौरे पर, किस किस के प्रयागराज के दौरे पर, राज के दौरे पर, प्रयागराज के दौरे पर इन्होंने क्या किया, इसने SWG महिलाओं को इन्होंने एक तरीके से सौगात दी, कितना इनके बैंक खातों में पीएम मोदी ने 1,000 करोड़ रुपए की हस्ताक्षर किए धनराशि पर, कि जो इन महिलाओं को इस चीज से फायदा मिलेगा। ठीक है, और यह यूपी का ऐतिहासिक, यूपी का यह ऐतिहासिक दिन था जहां पे 4,000 करोड़ रुपए की पूरक पोषित, पूरक पोषण योजना पूरी हुई, योजना पूरी हुई। ठीक है, मतलब क्या किया, पीएम मोदी प्रयागराज के दौरे पे थे तो इन्होंने SWG की महिलाओं के बैंक खातों में 1,000 करोड़ रुपए का हस्ताक्षर किए, जो कि इन महिलाओं को सीधे तरह पे लाभ मिलेगा। और यूपी का यह ऐतिहासिक दिन था जहां पे 4,000 करोड़ की पूरक पोषण योजना को पूर्व हो गई, मतलब ये पूरी भी हो गई, और कितनी यूपी के इसी दिन, एक ही दिन में इन्होंने दो काम कर दिए। ठीक है, थैंक यू फ्रेंड्स, और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ऐड करें।